सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना है सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं। दुनिया का कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु को पृथ्वी यानी कि अर्थ अपने सेंटर के तरफ खींचती है। समझने का प्रयास कीजिए, वेरी सिंपल है। मैं एक रड ले लेता हूं, इसको आप आसान तरीके से समझ पाएंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। मैंने एक रड ले लिया, अब इस रड को पृथ्वी यानी कि अर्थ अपने सेंटर के तरफ खींचेगी। कैसे खींचेगी? यहां से भी खींचेगी, यहां से भी, इधर से भी, इधर से भी, यानी कि हर एक पॉइंट से। उस वस्तु को मैंने यहां पर रड लिया है, उस रड को हर एक पॉइंट से अर्थ अपने तरफ खींचेगी। तो इस तरीके से खींच रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। और ग्रेविटेशनल फोर्स को आपको समझना है एमजी। एमजी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो ये सभी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि एमजी है, पृथ्वी अपने तरफ खींच रही है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सारा फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करता है, तो वे सभी फोर्स का एक रिजल्टेंट होता है। अब मैं यहां पर इसका रिजल्टेंट बताता हूं। ये जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी कि एमजी है, उसका एक रिजल्टेंट होगा और वो रिजल्टेंट किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा होगा। तो ये सभी एमजी का यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका रिजल्टेंट यहां पर है, रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट यहां पर एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। अब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यानी कि ये सभी फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स यहां पर एक्ट कर रहा है, तो इसी पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं बॉडी का होल वेट जिस पॉइंट पर एक्ट करता है उस पॉइंट को सीजी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ये रड है, रड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होता है? मिड पॉइंट में। जैसे मान के चलिए ये रड है, तो इसका सीजी कहां पर होगा? तो इसका मिडिल में होगा, मिड पॉइंट में होगा। तो बिल्कुल क्लियर है, बॉडी का होल वेट जिस पॉइंट पर एक्ट करता है उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं या सेंट्रोइड कहते हैं। तो यहां पर क्लियर हो चुका होगा। और सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों लगभग में एक ही चीज है। बहुत सी किताबों में दोनों को एक ही मान के चला है, लेकिन आप यहां पर यह समझ लीजिए सेंट्रोइड प्लेन फिगर के लिए कहते हैं जिसका सिर्फ एरिया हो, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, इसका सेंट्रोइड होता है। आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका मास होता है या थ्री डायमेंशनल होता है, उसका जो आप सीजी निकालेंगे वो क्या होगा? सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। थ्री डायमेंशनल के लिए सीजी कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे, लेकिन टू डायमेंशनल के लिए सेंट्रोइड कहेंगे। या आप दोनों के लिए सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सी किताबों में दोनों को एक ही मान के चला है। चलिए अब समझते हैं। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में प्रश्न को सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होना चाहिए।
फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत ही आसान तरीके से ये चैप्टर आप सॉल्व कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे आसान ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का सीजी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा? जहां पर रेक्टेंगल का डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर उसका सीजी होगा। जैसे मैं पहले से यहां पर डायगोनल ड्रॉ कर लिया हूं, ये दोनों डायगोनल इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसी पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। मैं जी लिखा हूं, आपको समझना है सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड। अब आपको बताना है कि ये पॉइंट कहां पर है। आपको एक रिफरेंस लाइन लेना होगा, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो आप इसी को समझ लीजिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब देखना है कि एक्स डिस्टेंस यानी कि आप यहां से देखेंगे, यहां से ये पॉइंट कितना दूर पर है, तो ये साइड का जस्ट हाफ, आधा। तो ये साइड कितना है, ऊपर में मैं लिखा हूं बी, तो बी बाई टू हो जाएगा। अब देखेंगे यहां पर, देखिए वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग मालूम करेंगे कि ये पॉइंट कहां पर है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, उसे कहेंगे वाई बार। तो ये कहां पर है, ये एच है, ये कितना है, एच है, तो एच के जस्ट हाफ है, तो एच बाई टू। इस तरीके से आप याद रखेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, और कहीं पर डाउट हो जरूर बताइएगा। अब यहां पर देखिए ये ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आप यहां पर समझिए, इसका सीजी कहां पर होगा। इसका सीजी यहां पर होगा इधर में, एक्यूरेट तो मैं माप के नहीं बता रहा हूं, इधर में होगा। अब आपको यह बताना है, आप रिफरेंस लाइन लेंगे, जैसे यहां पर ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब इसमें आप वाई एक्सिस कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरीके से वाई एक्सिस यहां पर होगा, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना है वो क्या कहलाएगा, एक्स बार। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, जब इसमें वाई एक्सिस बनाएंगे तो जस्ट यहां से शुरू होगा, इस कॉर्नर से, वर्टेक्स से शुरू होगा, तो यहां से ये कितना डिस्टेंस पर है, तो जस्ट इसका हाफ में, तो एक्स बार क्या होगा, बी बाई टू होगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि वाई बार कितना होगा, यानी कि यहां से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है, कितना ऊपर है, यहां से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है। मैं यहां पर लिख लेता हूं सीजी, इसको भी मैं लिख देता हूं सीजी। तो इसके लिए आपको याद रखना है यहां से सीजी कितना डिस्टेंस पर है, तो एच बाई थ्री, एच बाई थ्री। यहां पर मैं इसका डिस्टेंस हाइट में पहले ही लिख लिया हूं। सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि पूरा ये दिखाई दे रहा है या नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए समझने का प्रयास करिए, फिर से यहां पर एक ट्रायंगल आया है, लेकिन ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहां पर देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था, ये या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले एक्स बार, एक्स डिस्टेंस, इसका सीजी इधर में होगा, इसका सीजी यहां पर होगा, तो यहां से कितना डिस्टेंस में है, यहां से कितना डिस्टेंस में, यहां से हम लोग एक्स के तरफ जा रहे हैं ना, तो एक्स डिस्टेंस यानी एक्स बार बताना है, तो यहां से कितना डिस्टेंस में है, बेस कितना है बी, तो बी बाई थ्री। याद रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, और ये हाइट है, यहां से, अब यहां से ये पॉइंट यहां से कितना डिस्टेंस पर है, तो एच बाई थ्री।
सी जी। आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं लेकिन इतना मैं नहीं लिखूंगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब आते हैं यहां पर ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का सीजी कहां पर होगा? सबसे पहले यहां पर आप सीजी लिख लीजिए। मान के चलिए कि यहां पर है, ये सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। एक्स बार बताना है, जैसे एक्स बार बताने के लिए सबसे पहले आप रिफरेंस लाइन लेंगे। जैसे आप इसको एक्स एक्सिस कह सकते हैं, आप इसे एक्स एक्सिस कह सकते हैं और यहां से इधर में वाई एक्सिस आपको बनाना होगा। तो अगर यहां पर वाई एक्सिस बनाएंगे तो यहां से ये कितना डिस्टेंस पर होगा? तो जस्ट ये जो बेस आप देख रहे हैं, बेस का जस्ट हाफ में होगा। क्योंकि, और ये भी आपको समझना है, अगर आप यहां से इसको कट करेंगे तो ये होगा सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में क्या होगा, जस्ट हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। यहां से आप इसको कट करेंगे तो आधा इधर आधा इधर, तो एक्स बार कितना होगा इसका हाफ डिस्टेंस बी बाई टू होगा। लेकिन इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है वाई बार में। वाई बार कहने का मतलब कि यहां से सीजी कितना ऊपर है, कितना डिस्टेंस में है। ठीक है, ये यहां से कितना डिस्टेंस में सीजी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको याद रखना है, इसका हाइट दिया हुआ है एच बाई थ्री। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये दोनों पैरेलल साइड है और ये बड़ा है ये छोटा है। तो सबसे पहले बड़ा वाला को लिखिए प्लस 2a, यानी कि छोटा वाला का डबल, बटे में बेस प्लस छोटा वाला। ये y बार, ट्रेपेजियम का y बार h बाई थ्री b प्लस 2a डिवाइडेड बाय b प्लस a। कहां से? तो यहां से बेस के तरफ से। और सबसे पहले आप रिफरेंस लाइन को समझना होगा कि आप कहां से बता रहे हैं। जिसे मैंने वाई बार बता, मैं बता रहा हूं तो यहां से बता रहा हूं, यहां से कुछ अलग होगा। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं यहां पर, देखिए ये पूरे में मैं सर्कल को नहीं लिया हूं। सर्कल का एक्स बार और वाई बार क्या होगा, दोनों आर होगा, यानी कि डायमीटर का हाफ होगा। इसीलिए मैं सर्कल को यहां पर नहीं बनाया हूं, लेकिन मैं यहां पर सेमी सर्कल लिया हूं। सेमी सर्कल को आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो सेमी सर्कल का एक्स बार क्या होगा? सबसे पहले रिफरेंस लाइन आपको लेना होगा कि आप कहां से बता रहे हैं। तो आप इसको, ये जो लाइन है इसको आप एक्स एक्सिस मान सकते हैं, लेकिन वाई तो नहीं है। तो वाई आप इधर में ड्रॉ कर लीजिए या यहां पर ड्रॉ कर लीजिए वाई एक्सिस। अब आपको बताना है कि सबसे पहले इसका सीजी कहां पर होगा, ये सर्कल का सेंटर है और इसी सेंटर के ऊपर में यहां पर होगा। ठीक है, यहां पर। तो y एक्सिस आप इधर में बनाएंगे और बताएंगे कि यहां से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है। तो देखिए ये पॉइंट यहां से यही डिस्टेंस है ना, तो आप इसको कह सकते हैं d बाई टू, या सिंपल में r कह सकते हैं। लेकिन y बार को आपको समझना है, ये तो x बार बहुत ही आसान था, y बार को समझना है। y बार क्या होगा इसको आप याद रखेंगे, 4r आर बाई थ्री पाई, 4r आर बाई थ्री पाई आप इसको याद कीजिए, तब प्रश्न को सॉल्व करने में आसान होगा। इसके बाद यहां पर आते हैं, ये क्या है, ये सर्कल का सेक्टर है, इसे कहेंगे सर्कुलर सेक्टर, सर्कुलर सेक्टर। और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वाई बार याद करना है। वाई बार जैसे बोल दिया
ये दिया हुआ है सर्कुलर सेक्टर और आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि सेंट्रोइड कहां पर होगा। तो आपको बताना है सेंटर के तरफ से, जैसे ये सर्कुलर सेक्टर है ना, तो सबसे पहले ये सर्कल होगा, तो सर्कल का ये सेंटर है, तो सेंटर के तरफ से बताना है, तो इसका इधर में होगा, मैं यहां पर सी जी, इसको भी मैं लिख देता हूं सी जी, यहां पर इसका सी जी है। तो सेंटर से कितना डिस्टेंस में है, तब आपको याद रखना है 2r by 3 याद रखना है। इसके बाद इसमें और है साइन अल्फा बाय अल्फा, याद रखिए यहां पर अल्फा एंगल है ना, ये अल्फा एंगल है, तो 2r by 3 साइन अल्फा बाय अल्फा। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पर अल्फा डिग्री में रहेगा, तो डिग्री में रहने देना है, जैसे साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन यहां पर जब 30 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री उसको आप रेडियन में चेंज कर लेंगे, ठीक है, रेडियन में। तो यहां तक हो गया। अब आते हैं यहां पर, ये फिगर को समझिए सबसे पहले, ये कौन सा फिगर है, ये है गोला का आधा भाग, हेमी स्फीयर, गोला का आधा भाग। अब आपको यह समझना है कि इसका सीजी कहां पर होगा, सबसे पहले एक्स बार सीजी यहां पर, मान के चलते हैं कि सीजी यहां पर है, सीजी, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको रिफरेंस लाइन बना लेना है। तो आप इसको एक्स एक्सिस कह सकते हैं, लेकिन वाई एक्सिस तो इसमें नहीं है, तो आपको बना लेना है, जैसे इधर में बनाएंगे या इधर में बनाएंगे, तब मान के चलते हैं आपने वाई एक्सिस यहां पर बना लिया, तो यहां से ये कितना डिस्टेंस में है, देखिए यहां से ये जस्ट इसका हाफ डिस्टेंस में है, तो एक्स बार इसमें निकालना आसान है, आप इसको लिख सकते हैं डी बाई टू या सिंपल में आर। लेकिन वाई बार वेरी इंपॉर्टेंट है, वाई बार, वाई बार क्या होगा, थ्री आर बाई एट, इसको आप याद रखिए हमेशा के लिए, क्योंकि इस तरह का प्रश्न मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं यहां पर, सबसे पहले यह समझिए कि यह फिगर कौन सा फिगर है, किसका फिगर है, तो कौन, हिंदी में शंकु, इसका आपको बताना है एक्स बार और वाई बार। एक्स बार मतलब कि एक्स डिस्टेंस, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा, मतलब कुछ रिफरेंस लाइन लेना होगा, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आप एक्स एक्सिस इस लाइन को कह सकते हैं, लेकिन वाई एक्सिस तो नहीं है, तब आपको वाई एक्सिस बनाना होगा। अब इसका सीजी मान लेते हैं कि यहां पर है, इसका सीजी यहां पर है, अच्छा मैं यहां पर इसको बता देता हूं थोड़ा सा, वाई बार है ना, तो यहां का डिस्टेंस ये है 3r/8, और यहां पर ये जो है गोला का स्फीयर का सेंटर है, यानी कि सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, कितना ऊंचाई पर है, तो 3r/8। अब उसी तरीके से ये कोण है, तो नीचे में जो बेस है वो कैसा होगा, सर्कल होगा, तो सर्कल होगा, तो यहां पर उसका सेंटर भी होगा। अब मान के चलते हैं कि यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि y डिस्टेंस, y बार, लेकिन सबसे पहले आपको x बार बताना है, तो x बार बताने के लिए आपके पास y एक्सिस होना चाहिए, तो y एक्सिस आप इधर में बनाएंगे या इधर में बनाएंगे, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना है,
तो आप सिंपल में यहां से समझिए, यहां से ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ये टोटल का आधा आप कह सकते हैं d बाई टू, या सिंपल में आप r लिख सकते हैं। लेकिन y को समझिए, y वेरी इंपॉर्टेंट है। y बार क्या होगा, यानी कि यहां से cg का डिस्टेंस कितना होगा, h दिया हुआ है, तो h बाई फोर, हमेशा के लिए याद रखिए h बाई फोर कोण का cg, यानी कि y बार h बाई फोर। इसके बाद यहां पर एक फिगर और है, ये क्या है ये सबसे पहले समझना होगा। ये सिगमेंट ऑफ स्फीयर, गोला का सिगमेंट है, छोटा सा कटा हुआ भाग है, ये तो आधा कटा हुआ था लेकिन ये आधा से ऊपर में कटा हुआ है, ठीक है, सिगमेंट है। अब इसका वाई बार आपको सिर्फ याद रखना है, वाई बार, तो इसका y बार क्या होगा, ये 3/4 है, 3/4, बाकी ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो अब अगला वीडियो में प्रश्न को मैं सॉल्व करके बताऊंगा, और जब कंपोजिट सेक्शन रहेगा उसमें आपको थोड़ा दिक्कत होगा। कंपोजिट सेक्शन का मतलब क्या, जैसे ये रेक्टेंगल है तो इसका सीजी आप आसानी से बता देंगे, ये ट्रेपेजियम है इसका सीजी आप आसानी से बता देंगे, इसका भी सीजी आप बता देंगे, लेकिन दो या दो से तीन फिगर को कंपोजिट करके अगर देगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, तो मैं अगला वीडियो में बताऊंगा। तो ये सभी को आपको याद रखना है, जितना भी मैंने बताया है इसको आप याद रखिए। अच्छा, यहां पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे इसका सीजी जैसे यहां पर लिखे हैं 3/4 2r-h का होल स्क्वायर बटे में 3r-h, तो ये y बार है, कहां से कहां तक का डिस्टेंस है। अब यहां पर समझिएगा, मान के चलते हैं कि इसका सीजी यहां पर है, इसका सीजी यहां पर है, तो यहां से देखिए, यानी कि गोला स्फीयर का जो सेंटर था, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वाई बार है, स्फीयर का सेंटर से सीजी तक का डिस्टेंस है, सेंटर से सीजी का डिस्टेंस कितना है, वाई बार, ये आपको याद रखना होगा। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, और डिफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है या सेंट्रोइड क्या है, दोनों लगभग में एक ही चीज है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कहीं पर कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा, मैं फिर से डिस्कस करने का प्रयास करूंगा।